हम बात कर रहे हैं वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में फोर ईच लूप के बारे में। जी हाँ, फोर ईच लूप का क्या यूज है? देखिए क्या होता है कि कई बार हमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना होता है, क्योंकि जब फोर आई लगाते हैं तो एक स्टार्ट टू एंड होता है कि हाँ यहां से स्टार्ट होना है और यहां से एंड होना है। पर फोर ईच क्या होता है? फोर ईच होता है कि आपका एक सिलेक्टेड एरिया, एक सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ नाम लिख दिए हैं, राइट? ठीक है, ऐसे नाम है, और मुझे इन नाम को कैपिटल में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर के लिए अगर एक्सेल की हम बात करें तो यहां पे हमारे पास होता है अपर का फॉर्मूला। अपर अपर सिलेक्ट किया और फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, ये कर देगा। लेकिन 10-20 कॉलन है, छिटपुट जगह है, मतलब कि ये फिक्स नहीं है ना, तो हर बार करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हमने क्या किया कि हम चाहते हैं कि एरिया सिलेक्ट कर ले, तो इस सिलेक्टेड एरिया के अंदर चले, तो कैसे होगा? इसके लिए हम लूप लगाए, क्योंकि इसमें कोई स्टार्टिंग एंडिंग तो है नहीं, कितना बार चलना है सिस्टम तो है नहीं। तो यहाँ पे हम लूप लगाते हैं कि फोर, उससे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा कि डिम आर एज ए रेंज। हमने बोला कि आर एक रेंज, क्या मिला कि फोर ईच आर इन सेलेक्शन। नेक्स्ट आर, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि हमने बोला कि फोर ईच आर इन सेलेक्शन, तो सबसे पहले जो सिलेक्टेड एरिया है उसके हर एक सेल का नाम क्या हो गया? आर हो गया, ठीक है। और वन बाय वन जब भी लूप चलेगा इस तरह से आर क्या इसकी रेंज को आर पे स्टोर करते चला जाएगा। अब मुझे रेंज में सिलेक्टेड के एक एक सेल पे जो करना है और आर पे करेंगे तो वो सेल पे हो जाएगा। यहां लिखते हैं आर डॉट वैल्यू इक्वल टू यू केस आर डॉट वैल्यू। अब मैं इसको स्टेप इन्फो की तरह एक एक करके रन करता हूं, पता चल जाएगा। तो डिवर्क के अंदर स्टेप इन्फो, तो यहां हम एसेट किया, देखिए। तो अब पहला आर मोहन है, मोहन चेंज हो गया, हाँ दिख रहा होगा। अब सेकेंड आर जो होगा वो अगेन मोहन ही होगा, दूसरा मोहन, तीसरा मोहन, दिख रहा है? तो जैसे जैसे हमारा रेंज जा रहा है उसको चेंज होता जा रहा है। समझे सर? हाँ सर, समझ गए? तो आपने देखा है कि सिलेक्टेड एरिया में चला। तो इसकी मदद से आप क्या बना सकते हो? एक्सेल के जो फीचर्स है उस तरह के फीचर, जैसे होता है ना आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रहे, मान लीजिए आपको फॉन्ट, यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना है, तो आप एरिया सेलेक्ट करते हो और जो फॉन्ट पे क्लिक करते हो फॉन्ट चेंज हो जाता है, उतना एरिया चेंज होता है। तो मान लीजिए कि आपको अगर कुछ करने है, कॉपी करना है, जितना एरिया सेलेक्ट करते हो उतना एरिया कॉपी होता है, डिलीट करना है जितना एरिया सेलेक्ट करते हो उतना एरिया डिलीट होता है क्या? तो अगर आप कुछ ऐसा ऑप्शन बना कुछ ऑप्शन बनाना चाहते हो तो यूजर को ऐसा पॉसिबिलिटी देना पड़ेगा कि जितना एरिया वो सिलेक्ट करेगा आपका प्रॉब्लम जो है उतने एरिया पे ही परफॉर्म करेगा, उससे जा आगे के एरिया पे परफॉर्म नहीं करेगा। क्लियर है? समझे सर? अब हाँ सर, क्लियर। चलिए इसमें एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा के कुछ नंबर्स ला दिए और इन नंबर्स को इस तरह से हमने कर दिया। मैं चाहता हूं कि इसमें से जो ग्रेटर देन 50 नंबर्स हैं वो सारे नंबर के वाले कॉलम में एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे नीचे तक आ जाए, ठीक है? तो
तो यहां पे हम 4 ईच लगा देंगे भाई, इतना 21 रो और एच कॉलर है तो कितना हो जाएगा कॉलर, ये आपका 8 कॉलर। लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, मैं जितना चाहूं उतने एरिया पे वर्क हो, तो उस केस में क्या करेंगे हम 4 ईच लगाएंगे। तो सब्जेक्ट आर आर सिलेक्ट टू ड्राइवर ओपन क्लोज, और यहां पे हम करते हैं डिम आर एज ए रेंज, फिर करते हैं 4 ईच आर इन सिलेक्शन। अब यहां सिलेक्शन देना जरूरी नहीं है, अगर आपका कोई एरिया फिक्स है, जैसे फिक्स है भाई B2 से B22, तो यहां पे वो एरिया भी दे सकते हैं कि रेंज रेंज A2 से H50, इस तरह का एरिया भी आप दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं एरिया देने के मूड में नहीं, फिलहाल हम सिलेक्शन पे चल रहा है, तो इसके जगह भी क्या लिख देते हैं सिलेक्शन। ओके सिलेक्शन, फिर नेक्स्ट आर। ओके अब यहां हम देते हैं लूप, यहां पे इफ आर डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस ऑफ डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आर डॉट वैल्यू, और यहां पे एंड इफ मैं इसको रन करूं, सॉरी ए दे दिया यहां पे, ए नहीं देना चाहिए था, मुझे देना चाहिए था यहां पे के। आ गया सर। अब क्वेश्चन आता है कि फोर ईच क्या हम सिर्फ सीट पे कर सकते हैं? नहीं, हर तरह के ऑब्जेक्ट पे आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे दिया सब्जेक्ट, मैं चाहता सारे शीट का नेम चेंज कर दिया, यहां पे हम देते हैं कि फोर, यहां फोर से अपने डिफाइन करना पड़ेगा डिम और डब्ल्यू एज ए वर्क शीट, फिर यहां पे करते हैं कि फोर एच डब्ल्यू इन एक्टिव वर्क बुक डॉट वर्कशीट्स, वर्कशीट नहीं होगा वर्कशीट्स, कई सारे शीट्स है ना इसलिए, और नेक्स्ट डब्ल्यू, और यहां पे हमने कर दिया कि डब्ल्यू डॉट नेम इज इक्वल टू हमने डेटा, डेटा नाम का एक शीट, तो वही से एक एक से शीट हो नहीं सकता, तो यहां पे लिखते हैं कि आर इक्वल टू आर प्लस वन, और इसके साथ हम कंबाइन कर देते हैं आर। अब क्या होगा, जितने भी शीट्स है सारे शीट्स पे क्या हो जाएगा, नेम चेंज हो जाएगा, समझ गए? तो इस तरह से ऑब्जेक्ट पे एरे पे हम दे सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल आप फोर इंच के ऊपर इसी तरह से प्रैक्टिस